अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लिंक्स ऑफ फाइल्स यूज्ड इन दिस वीडियो आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। सो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस जो है वो स्टडी करेंगे। तो सिंपल साल्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इट इज़ अ सिंपल साल्ट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन के बाद जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो अगर आप देखें, इसमें एक ही केटाइन है और एक ही जो है वो एनायन है। तो ऐसी स्पीशीज़ जिसमें एक ही टाइप का केटाइन है या एनायन है, उसको हम जो है सिंपल साल्ट्स कहते हैं। दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। व्हेन टू और मोर देन टू केटाइन्स और एनायन्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चर, देन दैट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। ये कैसे बनते हैं कि हम इनमें स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ टू एंड मोर देन टू साल्ट जो हैं उनको मिक्स करते हैं, उसके बाद उनको एवेपोरेट करते हैं। एवेपोरेट करने के बाद जो क्रिस्टल्स आती हैं, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। तो ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो है वो टू टाइप्स के हैं। वन टाइप जो है दैट इज़ कॉल्ड एज डबल साल्ट, वेयर एज जो अदर टाइप है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल। जो हमारा इस कोर्स का मेन टॉपिक है वो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ही हैं। सो हाउ वी डिफरेंशिएट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम दैट ऑफ डबल साल्ट्स। तो डबल साल्ट्स देखें, इसमें दो एग्जांपल्स दी गई हैं, एक मोहर साल्ट है और एक पोटाश एलम है। पोटाश एलम इज़ आल्सो कॉल्ड एज फटकड़ी इन उर्दू। सो अगर आप मोहर साल्ट देखें, तो अगर आप इस मोहर साल्ट को डिसॉल्व करें, सो इट इज़ डिसॉल्व्ड एंड कॉन्स्टिट्यूट टू टाइप्स ऑफ केटाइन्स, फॉर एग्जांपल आयरन प्लस टू एंड अमोनियम प्लस टू एंड सल्फेट एनायन। सो आप देखें कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केटाइन्स हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज मॉलिकुलर और एडिशन कंपाउंड्स। बट इनको हम डबल साल्ट क्यों कहते हैं कि जब हम इनको वाटर में या किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो ये अपने जो आयंस हैं वो वही उनके टेस्ट जो है वो हमें मिलते हैं जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट साल्ट में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये आयरन के भी टेस्ट देगा, ये सल्फेट के भी टेस्ट देगा और अमोनियम के भी टेस्ट देगा। कौन से टेस्ट? साल्ट एनालिसिस में जो हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं वही। इसी तरह जब आप पोटाश एलम या फटकड़ी को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू पोटाशियम आइंस, एल्युमिनियम आइंस एंड सल्फेट आइंस। तो ये पोटाशियम के भी टेस्ट देगा कन्फर्मेटरी टेस्ट, एल्युमिनियम के भी कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा और सल्फेट के भी कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा। सो दीज मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स हैव नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। तो उन्होंने सोल्यूशन में जाकर अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किया। सो वो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज डबल साल्ट्स। वेयर एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज जो हैं, दे आर डिफाइंड एज के दीज आर दोज मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स विच लूज देयर आइडेंटिटी वैन दे आर डिजॉल्व इन वाटर और सम अदर सोल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि ये एक साल्ट है विच इज़ आयरन साइनाइड एंड इट इज़ मिक्सड विद पोटाशियम साइनाइड। जब इन दोनों के सोल्यूशन को मिक्स करेंगे, सोल्यूशन को एवेपोरेट करेंगे, बाद में जो क्रिस्टल्स मिलेंगी, तो अगर आप उसमें देखें तो क्रिस्टल्स को जब आप डिज़ोल्व करेंगे अगेन वाटर में, नाउ इट इज़ सेपरेटिंग इन टू वन केटाइन विच इज़ पोटाशियम एंड अदर आर कॉम्प्लेक्स एनायन विच इज़ आयरन एंड साइनाइड। अब अगर आप देखें कि इसके जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होंगे, ये पोटाशियम के तो कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा, लेकिन ये आयरन के कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं देगा या साइनाइड के कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं देगा, बल्कि ये इन दोनों के मिक्स फॉर्म में कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा। सो इसका मतलब है कि ये वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स हैं, व्हेन दे वर डिसॉल्वड इन सम सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं रखा। सो दोज मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स विच लूज देयर आइडेंटिटी, दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। एंड दोज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, दोज आर कॉल्ड एज डबल साल्ट्स। तो हमारा जो इस कोर्स की बेसिकली थीम है वो इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड्स पर जो है वो बेस करती है। नाउ वी शैल सी कि जो ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कौन कौन से
इंग्रेडिएंट्स होते हैं या उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होती है। नाउ दिस इज़ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अगर आप देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो लगी हुई हैं। दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स दे इंडिकेट अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी स्पीशीज़ हैं दे आर अटैच विद ईच अदर एट लीस्ट विद वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अभी सफ़ियर के अंदर दो स्पीशीज़ हैं, एक जो है उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दिस कम्स फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड सेकंड जो स्पीशी है दैट इज़ लिगेंड। लिगेंड इज़ आल्सो कॉल्ड एज लीवस बेस। लिगेंड्स के पार लोन पेयर्स होते हैं और ये लोन पेयर्स जो हैं वो मेटल्स को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए डोनेट होते हैं। सो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन जो है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल होगी। सो बिकॉज दे डोनेट लोन पेयर दे आर कॉल्ड एज लीवस बेसिस, वेयर एज मेटल्स एक्सेप्ट दीज लोन पेयर्स वाई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, सो दीज आर कॉल्ड एज लीवस एसिड्स। अंदर अगर आप देखें यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, दैट नंबर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आपका ये लिगेंड सिंपल है तो दिस आल्सो इंडिकेट्स देयर आर सिक्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड सिक्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स। सो अगर तो लिगेंड सिंपल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स, लेकिन अगर ये लिगेंड जो है ये कॉम्प्लेक्स है तो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। इसके बाहर अगर आप देखें कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है वो चार्ज लगा हुआ है, सो दिस चार्ज इंडिकेट्स के ओवरऑल कॉम्प्लेक्स ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर प्लस थ्री चार्ज है, तो उसी को ही हमने जो है वो बाहर लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज़ के इस पर प्लस थ्री चार्ज जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्यों आया। तो अगर आप देखें कि जो अमोनिया होता है दैट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, तो बाहर जो है वो प्लस थ्री चार्ज है, तो व्हाट इट इंडिकेट्स के जो कोबाल्ट है इस पर प्लस थ्री चार्ज है, तो प्लस थ्री ज़ीरो, तो दैट इज़ वाई हमने बाहर जो है वो प्लस थ्री ओवरऑल चार्ज जो है वो लिखा है। नाउ दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज़ कैटायनिक इन नेचर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये न्यूट्रल भी हो सकता है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि इस स्फीयर के अंदर जो है चार्ज कैसे बैलेंस हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में बाहर जो है वो अगर हम चार्ज जो है वो ना लगाएं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर बाहर जो है हम तीन क्लोराइड जो है उनको अटैच कर दें लाइक Cl3। सो ये भी सेम है। अब इसमें यह है कि हमने पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको बैलेंस कर दिया है, तो यहाँ पर अब ये तीन क्लोराइड क्यों आकर अटैच हुए हैं, क्योंकि एक क्लोराइड पर माइनस है तो तीन पर होगा -3, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर आ जाएगा +3, सो 0 एंड +3। सो क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्लस थ्री चार्ज है तो वही हमने इस स्फीयर के बाहर लिखा है, और तीन जो हैं यहाँ पर क्लोराइड आकर इसके साथ स्फीयर के साथ अटैच हो गए हैं। नाउ ये जो क्लोराइड जो हैं ये अटैच हुए हैं, दीज आर अटैच जस्ट आयनिकली, ये किसी और बॉन्ड के ज़रिए अटैच नहीं हुए, ये आयनिकली जो हैं वो अटैच हुए हैं कॉम्प्लेक्स के साथ। नाउ इफ़ यू सी दिस कॉम्प्लेक्स, तो अगर हम इसमें देखें तो जो स्फीयर है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। वो कैसे कि अगर हम देखें ये पोटाशियम दो हैं तो एक पोटाशियम पर प्लस होता है, तो ओवरऑल पोटाशियम पर जो है वो +2 चार्ज होगा, तो इसका मतलब है इस स्फीयर के ऊपर जो है वो -2 चार्ज है। तो एक क्लोराइड पर जो है वो -1 है, तो 6 पर जो है वो -6 होगा, तो ओवरऑल बाहर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है वो -2 चार्ज है, तो अगर हम प्लैटिनम पर +4 चार्ज करेंगे तो बाहर वाला चार्ज जो है वो बैलेंस होगा। सो इन दिस वे अगर आप देखें यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो एक टाइप जो है जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है पहले कि इस कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वेयर एज इस केस में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज है। नाउ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी न्यूट्रल, इट आल्सो डिपेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस एग्जांपल में देखें तो इसमें
कोऑर्डिनेशन सफियर के बाहर जो है वो कोई स्पीशी आयनिकली अटैच नहीं है. व्हाट इट मींस के इस कोऑर्डिनेशन सफियर पर न्यूट्रल चार्ज है. अब ये न्यूट्रल कैसे आया, अगर आप देखें अमोनिया जो है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है एंड क्लोराइड जो है एक एटम पर जो है वो माइनस वन है तो टू पर जो है वो माइनस टू चार्ज होगा. सो अब इस माइनस टू को बैलेंस करने के लिए प्लैटिनम पर हम प्लस टू लगाएं तो फिर ही आउटसाइड जो है वो कोऑर्डिनेशन सफियर के ज़ीरो जो है वो प्रोड्यूस होगा. सो इस तरह ये थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेशन सफियर की. सो कोऑर्डिनेशन सफियर कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इन दिस केस इट इज़ न्यूट्रल एंड दैट इज़ वाई कोई भी स्पीशी जो है वो आयनिकली इसके साथ आकर अटैच नहीं हुई. नो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि अमोनिया की तो हमें समझ आ रही है कि अमोनिया इज़ न्यूट्रल, लेकिन क्लोराइड जो है वो हमने नेगेटिव क्यों लगाया. तो अगर आप क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 एंड 3p5. तो अगर इस न्यूट्रल फॉर्म में देखें तो इसके पास एक अनपेयर्ड है तो इस फॉर्म में ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर हम इसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो एंटर करें, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा. नो इन दिस सिचुएशन इट कैन नॉट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, बल्कि इस सिचुएशन में ये ऑलवेज जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. सो दैट इज़ वाई इस कंडीशन में ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. तो अगर आप पहली एग्जांपल देखें तो उसमें भी ये इस फॉर्म में है एंड सेकेंड एग्जाम्पल में भी जो है ये माइनस फॉर्म में है. सो क्लोराइड के अलावा क्लोराइड के साथ साथ जितने और भी हैलोजेंस हैं वो सारे जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज जो हैं वो होंगे. इस फॉर्म में ये ऑलवेज जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. दे विल एक्ट एज अ लिगेंड, दे विल डोनेट देयर लोन पेयर्स टुवर्ड द सेंट्रल मेटल वाया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड एक्ट एज प्रॉपर लीवर्स बेसिस. सो इफ़ यू सी हेयर इन दी नोट्स, तो यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेशन सफियर की डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन सफियर कैन बी शोन एज अ न्यूट्रल और इट कैन बी शोन एज अ पॉजिटिवली चार्ज और इट कैन बी एज अ नेगेटिवली चार्ज. इसके बाद नेक्स्ट अब जो है वो देखते हैं अबाउट लिगेंड्स. तो लिगेंड्स जो हैं दो स्पीशीज विच डोनेट लोन पेयर्स. तो बाज स्पीशीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये ऐसा लिगेंड है जो कि चार्ज डेंसिटी डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है. लेकिन हम ये ऐसी एग्जांपल जो हैं वो आगे कोर्स में स्टडी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम लिगेंड्स को स्टिक करते हैं विद दैट डेफिनेशन के लिगेंड्स हैव लोन पेयर. सो दीज लोन पेयर्स आर डोनेटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल वाया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड दे आर कॉल्ड एज लीवर्स बेसिस. नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड एज लिगेंसी. तो इन केस ऑफ सिंपल लिगेंड्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा that will be equal to the number of coordinate covalent bonds inside the coordination sphere. लेकिन अगर ligand जो है वो complex हुआ तो in that case coordination number will be different that of coordinate covalent bonds. तो यहाँ पर अगर आप देखें इस example में जो ligand है इसको हम कहते हैं ethylene diamine. तो इसमें ethylene group है और ethylene group के terminal position पर जो हैं वो दो amino group लगे हुए हैं. दोनों माइनों में नाइट्रोजन के ऊपर जो हैं वो लोन पेयर्स हैं. सो इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल जो इथाइलीन डायमीन का है वो दो लोन पेयर्स कंट्रीब्यूट करता है. सो अगर आप देखें बाहर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 3 लिखा हुआ है, लेकिन हर मॉलिक्यूल जो है उसके पास दो लोन पेयर्स हैं तो ओवरऑल ये 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. सो इट मींस कि ये जो नंबर है ये सिंपल लिगेंड्स के केस में तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कम्प्लेक्स एग्जांपल जैसे कि ये इथाइलीन डायमीन है उस केस में ये नंबर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. सो इसलिए हम इसमें ये जो है वो क्लियर करते हैं कि ये नंबर जो है ये ऑलवेज मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर देगा कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिगेंड्स के अटैच हैं. तो हर मॉलिक्यूल अब कितने लोन पेयर्स कंट्रीब्यूट करता है वो हमें फिर स्ट्रक्चर से जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो इस तरह हम कोऑर्डिनेशन नंबर को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट जो है वो अगर आप देखें इसमें कि लाइक अगर आपके पास जो है वो लिगेंड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के तो हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट विल बी डिफरेंट. तो जिस तरह ये टेबल में बताया गया है
एंड लास्ट में जो है वो कोऑर्डिनेशन सफियर है, और हमने देखा है थ्री टाइप्स ऑफ सफियर्स। और कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर जो स्पीशीज़ हैं उनमें एटलीस्ट एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। यस दैट देयर कैन बी ए कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मस्ट होगा। एंड आउटसाइड दिस कोऑर्डिनेशन सफियर जो चीज़ें हैं वो आयनिकली अटैच होती हैं और उनमें जो है वो कोई कोवलेंट बॉन्ड का करैक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम कोऑर्डिनेशन सफियर्स में लिगेंड्स को ज़रा और देखेंगे डिटेल के साथ, उनकी डिफरेंट स्पीशीज़, उनकी डिफरेंट टाइप्स, एंड देन फाइनली वी शैल डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।